मेरा नाम होता रू है। मैं आज अपने दादाजी के घर जा रही हूँ। मैं हर साल अपने दादाजी के घर जा रही हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा ही अलग। क्या आप लोग मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू कर ही देती हूँ। शायद बस कहानी में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। यह कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। बचपन में शायद मैं कुछ 9 या 10 साल की थी, तब मैं अपने दादाजी में यानी कि अपने गांव में एक जंगल में खो गई थी। कहा जाता है कि जंगल में खोने वाला कभी वापस नहीं आया, और एक दो बंदे थे जो वापस आए थे, लेकिन वो बहुत ही डरे से में रहते थे। लेकिन मैं जंगल में खो गई थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, तभी मुझे वो दिखा। मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसने मुझे पूछा, क्या तुम खो गई हो? तो मैंने हाँ कहा, और मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई, लेकिन वो सरक गया और मैं गिर गई। उसने मुझे कहा कि वो एक भूत थे या एक आत्मा, लेकिन अगर मैं उसे हाथ लगाऊंगी तो वो मर जाएगा या गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ये बात सुनते मैं शायद पागल हो गई और बार बार उसके तरफ दौड़ती थी और उसे हाथ लगाने की कोशिश करती थी। उस वक्त उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और मुझे ज़ोर से मारा, और बाद में शायद उसे मुझे मारने की आदत से पड़ गई थी। लेकिन वैसे मिली थी मैं पहली बार अपने एक दोस्त थे। उसने मुझे जंगल से बाहर ले जाने में बहुत सारी मदद की। उसने मुझे जंगल के बाहर पहुंचाया और कहा कि इससे आगे जाने पे मुझे अपना घर मिल जाएगा, या कम से कम एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मुझे अपने घर रख सके या वापस छोड़ सके। जैसे हम जंगल से बाहर आए तो मैंने कहा कि मेरा नाम होतारू है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो वहाँ से गायब हो गया। और जैसे मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी तो पीछे से उसकी आवाज़ आई, मेरा नाम जीन है और तुम मुझे अपना दोस्त कह सकती हो। और जैसे मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे अपने चाचा जी भी मिल गए। मैंने अपने चाचा जी से कहा, क्या जंगल में सच में भूत या आत्मा रहती है? तो चाचा जी उस वक्त कहा कि जंगल के अंदर लोग कहते हैं कि भूत या फिर देवता रहते हैं, लेकिन ये जंगल की बातें जंगल को ही पता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। और उस दिन मैं अपने घर लौट के चली आई। दूसरे दिन मैं वापस जंगल में चली गई, लेकिन इस बार मेरे पास एक गिफ्ट था। वो गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए था। मैं जिन को थैंक यू बोलना चाहती थी कल मेरे मेरठ करने की वजह से, लेकिन बचपन में बहुत ही ज़्यादा पागल थी। मैं बार बार लगातार जिन को हाथ लगाने की कोशिश करती और बार बार जिन से बहुत ज़्यादा मार भी खाती। शायद अब मुझे भी आदत पड़ने लगी थी उसकी मार खाने की। लेकिन हाँ, जिन और मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा घेरी हो गई थी। जिन और मैं अब दिन भर एक साथ ही रहते। जंगल में घूमते वक्त हमें कई सारे और भी आत्माएं दिखती या फिर भूत। वो बार बार मुझे एक ही धमकी देते या फिर एक ही बात कहते कि मुझे गलती से भी जिन को हाथ नहीं लगाना, अगर मैंने जिन को हाथ लगा दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये बात मैंने कई बार सुनी थी, लेकिन जिन कहता था कि इनसे डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ भूत थे और ये मेरे दोस्त थे, इसलिए ये बार बार ये कहते कि मुझे हाथ मत लगाओ, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं मर जाऊँगा। ये बात सुनते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र भी रहती कि अगर मैंने गलती से कभी जिन को हाथ लगा दिया तो क्या होगा। ऐसे एक दिन और था, मैं और जिन साथ में खेलते खेलते थक गए थे, तो जिन शायद सो गया था। उसी वक्त मैं जिन के पास गई और उसका मांस उसारने की कोशिश की। मुझे पता था कि मांस किसी उड़न का बना है, तो मैं मांस को छू सकती हूँ, और मैंने वो मांस उठाया और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जिन का चेहरा देखा था। जिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिन अपना मास्क क्यों पहनता है। मैंने जिन को पूछा कि तुम मास्क क्यों पहनते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे दिखते हो। तो जिन हंसा और उसने एक ही बात कही, अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो भूत कैसे लगूंगा। ऐसे ही टाइम बीतता गया और मैं अपने पूरे गर्मी की छुट्टियाँ और जिन के साथ ही बिताई। जिन के साथ घूमते हुए मैंने जंगल में हर किस्म किया, कहता जाए तो मैंने हर एक आत्मा को देख लिया था, हर एक भूत को देख लिया था। अब तो मेरी और उनकी दोस्ती हो गई थी। कहा जाए तो मुझे अब उनसे कुछ डर नहीं लगता क्योंकि जिन मेरे साथ थे। लेकिन हाँ, जिन के दोस्त मुझे एक ही बात कहते कि मुझे गलती से भी जिन को हाथ नहीं लगाना, और मेरे दिमाग में भी यही बात रहती थी कि गलती से भी मुझे जिन को हाथ नहीं लगाना। टाइम बीतता गया और करीब करीब 2 साल बीत गए। अब मैं 7th स्टैंडर्ड में आ गई थी और मैं बड़ी भी हो गई थी। लेकिन जब भी मैं समर की हॉलीडे में गांव में आती तो पूरा दिन जिन के साथ ही घूमती फिरती, पूरा दिन उसके साथ ही रहती और जंगल में नए नए भूत या फिर नए नए पक्षी से मिलती।
मुझे जिनके साथ बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन कुछ अलग था, कुछ ज़्यादा ही अलग। मुझे अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती कि जिस तरह से मैं बड़ी हो रही हूँ या जिस तरह से मेरी उम्र बढ़ रही है, जिनकी उम्र उससे एकदम उल्टा है, जिनकी उम्र बड़ी नहीं रही या फिर बहुत धीरे बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊँगी या मर जाऊँगी, लेकिन जिन्हें वैसे ही रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं इसके बारे में पागल ही हो गई थी कि अगर मैं बूढ़ी हो गई और जिन जवान रह गया तो क्या होगा, क्या हमारी दोस्ती यूँ ही बनी रहेंगी। मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब अलग या पागलपन वाली बात है, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही चलता रहता। एक दिन ऐसे ही ख्यालों में रहते हुए मुझे पता चला कि गांव के अंदर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वैसे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। और इसलिए मैंने जिनको एक मफलर देने के लिए सोचा या फिर एक मफलर बना के उसको गिफ्ट करने के लिए सोची, और वही मफलर बना के मैंने जिनको गिफ्ट भी किया। जिनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो मुझे पता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप वो मफलर रख दिया। लेकिन मुझे पता था कि जिनको ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। इसी तरह से टाइम और बीतता चला गया। अब मैं हाई स्कूल में पहुँच गई थी और मैं भी कुछ करीब करीब लड़कियों जैसे दिखने लगी थी, और कहा जाए तो थोड़ी सी ठीक ठाक भी लगने की। लेकिन हाँ, जिन अभी भी नहीं बदला था, लेकिन अब मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, मुझे जिन की याद हमेशा आती है। मैं जब घर में होती, यानी कि अपने खुद के घर में या स्कूल में होती हूँ, तभी मुझे जिन की बहुत ज़्यादा याद आती है। और यहाँ पे आने के बाद मैं जिन के बिना रह नहीं सकती, या फिर गांव बिना जिन के ये मेरे कुछ शायद सपना ही होगा। उस वक्त मैंने जिन से कहा कि तुम क्या हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तो जिन ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मुझे इसी जंगल में फेंक दिया गया था अपने माँ बाप की तरफ से, या फिर किसी ने रख के भूल गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं रोता रहा, बहुत ज़्यादा रोता रहा। उसी वक्त वापस सभी आत्माएं भी इकट्ठा हो गई थी। शायद मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उन आत्माओं ने मुझे मरने दे दिया और मुझे देवताओं के पास ले गए। जब देवताओं ने मुझे देखा तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एक मंत्र फूंक दिया। उस मंत्र से मैं मर नहीं सकता था, लेकिन मैं शायद जी भी नहीं सकता था। उस मंत्र के चलने के बाद मैं आज तक जिंदा हूँ, मैं कभी मरा नहीं। लेकिन हाँ, उस मंत्र से मेरा शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अब अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगा दूँ तो मैं गायब हो जाऊँगा, या अगर तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो मर भी सकता हूँ। मुझे मार्क्स इन्हीं आत्माओं ने दिया है क्योंकि मैं भूत दिखूँ, क्योंकि अगर मैं आम इंसान जैसे लगने लगा और गलती से मुझे किसी छू लिया, जैसे कि तुम मुझे शुरुआत में छूना चाहती थी, तो शायद मैं मर सकता हूँ। और मेरे दोस्त भी यही चाहती है कि मैं गलती से भी किसी इंसान को ना छूँ और मैं मर ना जाऊँ। तो ये है मेरी कहानी, यानी कि जिन द स्पिरिट की कहानी। और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। उस वक्त उसने मुझे एक भूतों के फेस्टिवल में, या फिर भूतों के समर फेस्टिवल में इनवाइट किया। मैंने कहा था कि तुमने मुझे इससे पहले कभी इनवाइट क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि तुम छोटी थी, तुम भूतों के देख के जल जाऊंगी, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। और इस तरह से उसने मुझे पहली बार डेट के लिए पूछा था, या फिर कहा जाए कि पहली बार कहीं पर रात को बुलाया था। जैसे रात में मैं जीने के कहने पे उस समर फेस्टिवल में या फिर भूतों के फेस्टिवल में चली गई थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहाँ पे सभी भूतों ने इंसानों का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव थे, जैसे कि बहुत सारे भूतों के पूछ थे जो कि वो इंसानी फॉर्म में भी दिख रहे थे। मैंने उसी वक्त जिन से कहा कि ये सब लोग इंसानों के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फिर इंसानों की तरह क्यों है। तो जिन ने कहा कि यहाँ पे जो भी भूत थे या फिर जो भी स्पिरिट है, वो कभी ना कभी इंसान थी, इसलिए उन्हें इंसानों के रूप में रहना ज़्यादा पसंद है। और उसी के साथ अगर यहाँ पे कोई गलती से इंसान आ भी जाए तो उसे पता नहीं चलता कि ये फेस्टिवल किसी इंसानों का नहीं तो भूतों का है। तो इसके वजह से ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि इंसानों को, और ना ही भूतों की कोई टेंशन है कि उनके बीच में कोई इंसान है। और इसी वजह से सब लोग यहाँ पे इंसानों के मुख में है, या फिर अपने पुराने दिनों को याद करें जब वो इंसान थे। और उसी के साथ मैंने पूरे फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कुछ अलग ही दुनिया में आ गई हूँ, या फिर ऐसी दुनिया जहाँ से मैं कभी बाहर निकलना नहीं चाहती। फेस्टिवल ख़त्म हो गया और मैं और जिन एक साथ थे। मैं घर के लिए आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त जिन ने मुझे कहा कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहती हूँ, मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उसी वक्त उसने अपना मास्क निकाल के मुझे पहना दिया और मुझे किस किया।
मैं भी यही कहना चाहती थी कि मुझे भी शायद उससे प्यार हो गया है। मैं भी अगर बड़ी हो गई और ग्रेजुएट हो गई तो इसी शहर में या इसी गांव में कहीं पे नौकरी कर दूंगी और ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ निभाना चाहती हूँ। शायद मैं उससे कहती, उससे पहले वहाँ पे कुछ बच्चे आ गए और उसमें से एक बच्चा गिरने वाला था कि जिनने उसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाया और उसे कहा कि देख के चला करो। जैसे वो आगे बच्चे बढ़ गए तो यहाँ पे कुछ अजीब सा होने लगा। मैंने जिन की तरफ देखा तो जिन धीरे धीरे गायब हो रहा था। जिन धीरे धीरे गायब होने लगा था और मुझे ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि जिस बच्चे को उसने गिरने से बचाया था वो कोई भूत नहीं या स्पिरिट नहीं तो एक इंसान था। जिन ने खुद को गायब होते हुए देखा, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसने भाई मेरे तरफ बढ़ा दी। उसने कहा कि देखो मैं गायब हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे हक करना चाहोगी? मैंने अपने चेहरे पे से मास्क जल्दी से उठा के उसे ज़ोर से हक किया, उसे गले मिलाया। मुझे पता था इसके बाद मैं जिन को कभी नहीं देख पाऊँगी। मुझे पता था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगी और उसे पता था कि वो मेरे बिना मर नहीं पाएगा। उसने मुझे कहा कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने जाने का या मेरे साथ रहने के लिए इच्छा रखता है और शायद उसका सपना पूरा हुआ, वो उसके भाव में मर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं खुश थी या नाराज थी या दुखी, पागल क्या थी। मेरे चेहरे पे एक हंसी थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार जिनको हाथ लगाया था और शायद ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि आज के बाद मैं उसे कभी देख नहीं पाऊँगी। क्या मेरी बच्चों जैसी एक जिद ने उसकी जान ले ली? मैं सिर्फ एक ही जिद जाती थी कि मैं ज़िंदगी में एक बार जिनको हाथ लगाऊँ या उसे गले मिलूँ, लेकिन शायद ये जब हुआ सो हुआ। अब मेरे पास जिनका एक मास्क और एक कपड़े है, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है और ढेर सारी यादें। जिन जिन मेरे ज़िंदगी में जिन से ज़्यादा कुछ नहीं था, वो एक जिन था जिसने मुझे सब कुछ दिया, यादें, पल, लम्हे, दोस्त, कुछ अजीब से दोस्त, कुछ प्यारे दोस्त। उसी वक्त वहाँ पे सभी घोस्ट या आत्माएं आ गए, पता नहीं क्या, लेकिन आत्माओं ने मुझे थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि जिन इस ज़िंदगी से उब गया था, मैं 3 महीनों के लिए यहाँ पे आती हूँ, लेकिन वो 9 महीने ऐसी ही ज़िंदगी काटता है जैसे कि वो अकेला हो, क्योंकि वो ना ही भूत था ना ही स्पिरिट। लेकिन इसकी कीमत क्या थी, उसकी मौत, मुझे नहीं पता क्या। शायद अब मुझे वापस समर का कभी इंतज़ार नहीं रहेगा, मुझे गर्मियों का इंतज़ार नहीं रहेगा, या शायद मुझे अब ज़िंदगी का इंतज़ार नहीं रहेगा। और उस बात को आज लगभग 1 साल हो चुका है। मैंने कहा था ना, इस गर्मियों की छुट्टी में कुछ अलग है, यही वो अलगपन है कि मुझे इन गर्मियों की छुट्टी का कभी इंतज़ार ही नहीं था और शायद मुझे कभी गर्मियों का इंतज़ार रहेगा भी नहीं।